हाय फ्रेंड, आज वीडियो में बात करने वाला हूँ T20I सीरीज के आज के सेकंड मुकाबले की जो होने वाला है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मैच शुरू होगा। इस मैच के आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैच की टाइम रहने वाली है रात के 9:30 पर मैच शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ रहने वाला है। वेन्यू की बात कर लेते तो शारजा स्टेडियम शारजा में मैच शुरू होगा और एवरेज स्कोर यहाँ पर 100 से 120 के बीच में बनने वाला है। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते पाकिस्तान की टीम की, तो टीम की बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर ही आपको अपडेट ऑफ फाइनल टीम और प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से डायरेक्ट जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर हम पहले बात कर रहे पाकिस्तान की टीम की, तो लास्ट मैच ये हार के आ रही है और लास्ट मैच ओपनिंग की थी सईद अयूब ने और मोहम्मद हारिस ने। तो हम बात करें अयूब की, तो यहां पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो T20 के ना 33 मैच खेल चुका है, 899 रन है, 4 विकेट है और हेड टू हेड में एक मैच खेला था, लास्ट मैच ही खेला था जिसमें 17 रन बनाए थे, विकेट ओवर डाला नहीं, तो बाकी रिसेंट में आप काफी अच्छी है। देख सकते हो आप 74-58 एक विकेट, 0-23 9 रन 0 विकेट और लास्ट मैच में 17 किए, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर पिक करिएगा। यहां से आ जाते मोहम्मद हारिस की तरफ, तो यहां पर आप देख सकते हो रिसेंट में काफी अच्छी, लास्ट मैच में चले नहीं पर बाकी रिसेंट में काफी अच्छी। आप देख सकते 9 बैटिंग 35 79 34 और 85 रन बनाए थे। टी ट्वेंटी के पांच मैच खेला था, 104 रन है, 20 का एवरेज है, यानी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूर पिक करिएगा। यहां से आ जाते हैं अब्दुल्ला सफीक की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब्दुल्ला सफीक को T20 आएगा ना 3 मैच खेला था, 41 रन है, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था रिसेंट में जिसमें 0 किए थे और आप देख सकते हो तो रिसेंट फॉर्म 1-2 0-10 और लास्ट मैच में 65 किए थे, उससे पहले काफ़ी फ्लॉप रहा था, तो इसे मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। यहाँ से आ जाता है तैयब ताहिर की तरफ, तो इसे मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ क्योंकि रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, लास्ट मैच में तो 16 किए थे पर आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, 65-6-19-7 और 40 था और आप देख सकते हो T20 के ना 22 मैच खेल चुका है, 794 है, 41 का एवरेज है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जरूर पिक करिएगा। यहां से आ जाते हैं आजम खान की तरफ, तो आप देख सकते हो आजम खान ना खास इंपोर्टेंट नहीं है, लास्ट के मैच में 0 किए थे और रिसेंट में आप देख सकते हो 72 नॉट आउट 35-3 9 बैटिंग और 2 लास्ट के मैचों में सिर्फ फ्लॉप चला है। बाकी T20 का एवरेज देख सकते हो 3 मैच में 6 रन थे, T20 की बात करें तो 110 मैच खेल चुका है, 2244 रन है, तीसरे में ड्रॉप करने वाला हूं। यहां से आ जाते इमाद वसीम की तरफ, तीसरे में अपनी टीम में रखने वाला हूं क्योंकि देख सकते हो 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाल लिया था लास्ट मैच में, 18 रन बना लिए थे रिसेंट में, आप देख सकते हो कि 94 0 विकेट 30 रन 0 विकेट 45 रन 2 विकेट, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको ना बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों से अच्छे पॉइंट ये दे देगा। यहां से आ जाता है सदाब खान की तरफ, तो इसे भी मैं अपने टीम में रखने वाला हूं, लास्ट मैच में विकेट लेस रहा था पर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ना बॉलिंग काफी अच्छी बंदे की, बैटिंग भी कर लेता है साथ में, बैटिंग भी काफी अच्छी है, 12 0 विकेट थे रिसेंट में, आप देख सकते हो 44 2 विकेट 12 0 विकेट 25 2 विकेट 26 रन 2 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच खेला था, 48 रन है 2 विकेट है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, डेप्थ में बॉलिंग करने आता है तो मोस्ट है, जरूर पिक करेगा। यहां से आ जाता है फहीम अशरफ की तरफ, तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट के मैच में बॉलिंग नहीं की, 2 ओवर डाला 2 रन बना के आउट हो गए थे, रिसेंट फॉर्म में 51 1 विकेट 4 रन 0 विकेट 38 1 विकेट और 5 रन 1 विकेट, T20 के 42 मैच खेल चुका है, 35 विकेट है, यानी आप इसे पिक कर सकते हो लास्ट के मैच पर, मैं इसे फ्लॉप ड्रॉप करने वाला हूँ। यहाँ से आ जाते नसीम शाह की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है इनका, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और लास्ट मैच में विकेट लेस रहे थे और अभी लास्ट मैच खेला था ना जिसमें 2 रन बना के 1 विकेट ले लिया था, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डेथ में बॉलिंग करने आता है तो आप पिक कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे डेमो टीम से छोड़ने वाला हूँ, प्लेइंग में कुछ चेंजेस होगा ना उस हिसाब से मैं इसे रख सकता हूँ, डेथ में बॉलिंग करने आएगा। यहाँ से आ जाता है जमान खान की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच में ना 3 ओवर डाल के विकेट लेस रहा था बंदा, तो मैं इसे ड्रॉप करूंगा, 8 रन बनाए थे और डेथ में बॉलिंग की थी फिर विकेट लेस रहा था, T20 के 43 मैच खेल चुका है, 55 विकेट हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रॉप करेंगे। यहां से आ जाते हैं ईशानुल्लाह की तरफ, तो यहां पर ईशानुल्लाह को मैं पिक करने वाला हूं क्योंकि आप देख सकते हो 6 रन
दो विकेट, चार ओवर डाल के दो विकेट निकाल लेते बंदे ने, अगर ज़्यादा ओवर डालता ना तो अच्छा करके जा सकता था। तो टी ट्वेंटी के 20 मैच में ना 30 विकेट हैं। हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था, वो अभी रिसेंट का खेला था, एक मैच में 6 रन थे, साथ में 2 विकेट हैं। रिसेंट बम काफ़ी अच्छा है, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट जरूर पिक करेगा। बेंच में से कोई खेलेगा ना, उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे बेंच में से ना शान मसूद खेलेगा ना, तो रिसेंट बम काफ़ी अच्छा है इनका, 51, 25, 19, 75 और 5 है, तो जरूर पिक करिएगा। क्योंकि अगर खेलता है ना तो बंदा अच्छा करके जाएगा। जैसे यहाँ से आ जाते हैं मोहम्मद वसीम की तरफ, तो रिसेंट बम आप इनका भी देख सकते हो, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, हर मैच में ना विकेट निकाल के गया था बंदा। प्लेयर में जैसे कुछ चेंजेस होगा उस हिसाब से मैं टीम दे दूंगा आपको, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग के ओवर डालने आ जाएंगे नसीम शाह, जमान खान, और डेथ के ओवर डालने आ जाएंगे नसीम शाह, ईशानुल्लाह, जमान खान और शादाब खान। जो डेथ में आता है ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट देने वाला है। तो यहाँ पर हम दूसरी टीम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। तो लास्ट मैच में ये जीती थी, और लास्ट मैच ओपनिंग की थी आर गुरबाज ने और इब्राहिम जादरान ने। गुरबाज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच में 16 किए थे, तो इसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंट बम काफ़ी अच्छा नहीं है। 0, 25, 15, 33 और 10 थे। टी ट्वेंटी आई के 38 मैच खेल चुका है, 941 रन है, तो इसे मैं ड्रॉप करूंगा। यहाँ से आ जाते इब्राहिम जादरान की तरफ, तो इसे मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। लास्ट मैच में अच्छा नहीं किया, पर बाकी प्लेयर काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप देख सकते हो रिसेंट बम काफ़ी अच्छा है इनका। 23, 21, 8, 1 और लास्ट मैच में 60 किए थे, और टी ट्वेंटी आई के 19 मैच अभी तक खेल चुका है, 450 रन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूर पिक करिएगा। यहाँ से आ जाते हैं गुलबदीन नायाब की तरफ, तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ने वाला हूँ क्योंकि आप देख सकते हो 1 रन, 0 रन पे आउट हो गया था। और रिसेंट बम आप देख सकते हो 12, 0 विकेट, 39, 2, 0 विकेट, 2 रन, 0 विकेट, और लास्ट मैच भी विकेट निकाल पाया था, बाकी पूरे मैच में फ्लॉप रहा था। टी ट्वेंटी आई के 56 मैच अब तक खेल चुका है, 615 रन है, 22 विकेट है, तो ड्रॉप करेंगे। यहाँ से आ जाते हैं मोहम्मद नबी की तरफ, तो यहाँ पर मैं इसे टीम में रखने वाला हूँ क्योंकि ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 ओवर डाल के ना 2 विकेट निकाल लेते, 7 में 38 नॉट आउट रहा था, और टी ट्वेंटी आई के 104 मैच खेल चुका है, 84 विकेट है। हेड टू हेड में ना 4 मैच खेला था, 88 विकेट रन है, 4 विकेट हैं, तो जरूर पिक करिएगा। यहाँ से आ जाते करीम जन्नत की तरफ, तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ने वाला हूँ क्योंकि आप देख सकते हो बैटिंग काफ़ी अच्छी है, अगर बैटिंग मिलती है ना इसे बंदे को तो अच्छा करके जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो 53, 0 विकेट, 7 रन, 1 विकेट और 56 नॉट आउट, 0 विकेट। लास्ट के मैच में 7 किए थे, टी ट्वेंटी आई के 44 मैच खेल चुका है, 32 विकेट हैं, 478 रन है, यानी कुछ चेंजेस होगा उस हिसाब से टीम में रख लूंगा। यहाँ से आ जाते नजीबुल्लाह जादरान की तरफ, तो देख सकते हो लास्ट के मैच में ना 17 नॉट आउट रहा था, रिसेंट बम काफी अच्छा है, 16 नॉट आउट, 37 नॉट आउट, 1, 59 और 1। टी ट्वेंटी आई के 89 मैच खेल चुका है और 31 का एवरेज है, 1625, 40 रन है, यानी इंपॉर्टेंट देने वाला है, जरूर पिक करेगा। यहां से आ जाते अमर जय की तरफ, तो आप देख सकते हो लास्ट के मैच में बैटिंग नहीं मिली पर बॉलिंग मिली ना, तो 4 ओवर डाल के ना 2 विकेट निकाल लेते बंदे ने, तो इंपॉर्टेंट देने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो रिसेंट बम काफी अच्छा है। लास्ट के 3 मैच में ना विकेट निकाल पाया था, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैच खेला था, 2 मैच में 4 विकेट है। टी ट्वेंटी आई के 19 मैच खेल चुका है, 7 विकेट है, 106 रन है, तो जरूर पिक करेगा। यहां से आ जाते हैं रशीद खान की तरफ, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देने वाला है ये भी, क्योंकि आप देख सकते हो 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाल लिया था रिसेंट बॉम में, आप देख सकते हो सिर्फ 1 मैच में विकेट लेस रहा था, बाकी पूरे मैच में आप देख सकते हो पहले मैच में 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। टी ट्वेंटी आई की बात करें तो 77 मैच में 126 विकेट है, यानी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देने वाला। डेथ में बॉलिंग करने आता है तो इसे आप ना कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर चूज कर सकते हो। यहां से आ जाते हैं मुजीबुर रहमान की तरफ, इसे भी मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट के मैच में ना 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाल लिए थे रिसेंट बॉम, देख सकते हो आप लास्ट के 3 मैच में विकेट लेस रहा था, पर बंदा काफी अच्छा है क्योंकि बॉलिंग काफी अच्छी इसकी। हेड टू हेड में 3 मैच खेला था, 3 मैच में 4 विकेट है। टी ट्वेंटी आई की बात कर रहे हैं तो 38 मैच में 49 विकेट हैं, यानी बैटिंग खास है नहीं पर बॉलिंग काफ़ी अच्छी। यहाँ से आ जाते हैं फजलक फारूकी की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फारूकी भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देने वाला है क्योंकि ना लास्ट के ना 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाल लिए थे, डेथ में बॉलिंग की थी ना, तो डेथ में आपको विकेट के पॉइंट अच्छे दे सकता है, अगर डेथ में बॉलिंग करेगा तो अच्छे पॉइंट दे देगा क्योंकि आप देख सकते हो रिसेंट बॉम काफ़ी अच्छा है, सिर्फ 1 मैच में विकेट लेस रहा था, बाकी पूरे मैच में ना विकेट निकाल पाया था। और आप देख सकते हो हेड टू हेड में 2 मैच में 5 विकेट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट
लेने वाला है जरूर पिक करिएगा। यहाँ से आ जाते हैं नवील उल हक की तरफ, तो आप देख सकते हो लास्ट के मैच में ना दो डाल के एक विकेट निकाल लिया था, पूरे मैच में ना सिर्फ एक मैच में विकेट ले रहा था, बाकी पूरे मैच में ना एक विकेट दो विकेट एक विकेट और एक विकेट। टी ट्वेंटी आएगा 25 मैच खेल चुका है, 25 मैच में 32 विकेट है, और डेथ में बॉलिंग करने आता है तो इंपॉर्टेंट है जरूर पिक करिएगा। बेंच में इसको खेलेगा उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टार्टिंग के ओवर डालने आ जाएंगे फजल फारूकी और ए अमर जई, और डेथ के ओवर डालने आ जाएंगे नवील उल हक फारूकी और साहिद खान। जो डेथ में आता है ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, तो चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ही आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम अपने विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला हूँ एम हरीस को, बैटिंग सेक्शन से करने वाला हूँ नजीबुल्ला को, आई जार्डन को और एस आई एफ को और टी तायर को, और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से करने वाला हूँ एम नबी को, आई वसीम को, एस खान को, बॉलिंग सेक्शन से करने वाला हूँ राशिद खान को, मुजाविरुर रहमान को और एफ फारूकी को, और यहाँ पर मैं अपना कैप्टन करने वाला हूँ आई वसीम को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ एम नबी को। पर ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 जो भी कुछ चेंजेस होगा वो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं बार-बार बोल रहा हूं कि आपको टेलीग्राम से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर ही आपको अच्छी से अच्छी टीम देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।